दोस्तों एसी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक छोटे ही बोर्ड में सब कुछ यानी कि एक सॉकेट, दो रेगुलेटर और एक होल्डर का कनेक्शन कर सकते हैं। मानो आपके यहाँ ये छोटा ही बोर्ड हो, उसके अंदर दो स्विच हो, तो दोनों स्विच को आप निकाल के अगर रेगुलेटर लगाना चाह रहे हैं तो रेगुलेटर लगा सकते हैं। इससे भी ऑन ऑफ हो जाता है, कम्बल होता है और उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, इस टाइम रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रात में पंखा हल्का भी करना पड़ सकता है। तो आप एक सॉकेट, दो रेगुलेटर, एक होल्डर कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए एक सॉकेट हो गया, ये दो रेगुलेटर हो गए जिसमें दो दो तार लगे। ये जब हमने होल्डर लगाया था तो होल्डर लगाने से पहले हमने इसमें दो तार लगा लिए थे ताकि बाद में दिक्कत होती तार लगाने खोलने में, हमने दो तार लगा लिए थे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जिन जिन पॉइंट में जब भी आप वायरिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जहाँ जहाँ फेस देना है तो सबसे पहले आप फेस देंगे। बोर्ड बना वायरिंग करते हैं सबसे पहले फेस देंगे, तो हम सबसे पहले हमें जहाँ जहाँ फेस देना है हम फेस का कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमने फेस दिया है सॉकेट को, क्योंकि इसमें सब कुछ डायरेक्ट ही चलना है, ये सॉकेट को फेस दे दिया और ये हमारा होल्डर था तो हमने होल्डर को भी फेस दे दिया है, ठीक है। और ये दोनों रेगुलेटर को हमें फेस देना था तो हमने एक इस रेगुलेटर को फेस दे दिया, एक इस वाले रेगुलेटर फेस दे दिया, ये हमने इस रेगुलेटर से ये फेस निकाल दिया है, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। अब हम इसको देते हैं उनको न्यूट्रल। ठीक है, अभी हमने फेस दे दिया था, अब हमने सॉकेट को न्यूट्रल देना है और होल्डर को न्यूट्रल देना है, ठीक। तो हम ये देखिए होल्डर में तो जो दो तार निकाले थे एक हमने फेस दे दिया, एक जो तार है हमें न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल का तार हमने इसमें जोड़ लिया है, अब हम सॉकेट को न्यूट्रल देते हैं जो हमारा बाहर से। ये देखिए, ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले जो लाल कलर का ये फेस आया था, फेस दिया हमने सॉकेट को, तो और हमें होल्डर को भी देना था तो हमने होल्डर को, ये होल्डर है, होल्डर को भी फेस दे दिया और हमें दो रेगुलेटर जो पंखे के लगे हैं ये रेगुलेटर के एक एक तार में हमने फेस दे दिया, यानी रेगुलेटर को फेस मिल गया, होल्डर को भी फेस मिल गया और सॉकेट को भी फेस मिल गया। अब हमने देना था न्यूट्रल तो हम ये न्यूट्रल इसमें दिया है ये सॉकेट में और डायरेक्ट ही हमने ये होल्डर में न्यूट्रल दिया है, ठीक है, और रेगुलेटर में न्यूट्रल देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारी वायरिंग ये कंप्लीट हो गई, अब हमें इसमें पंखे के कनेक्शन करने हैं, ठीक है, तो हम पंखे के कनेक्शन करते हैं। ये पंखे की जगह देखिए मैंने ये होल्डर है, ये बल्ब होल्डर, मैं इसके कनेक्शन कर दे रहा हूँ, पंखे कनेक्शन दिखा नहीं सकता था। अब देखिए जैसे आप पंखा लगाएंगे तो ऊपर से पंखे के दो तार आएंगे ना, तो हमें दो तार हमें देना है, एक जो हमें इस रेगुलेटर में जो एक तार निकला हुआ है, ठीक, जो रेगुलेटर में हमारा एक तार निकला हुआ है ये हम छील लेते हैं, ये तार हमने एक फेस दे दिया पंखे का एक तार में जो दो तार आएंगे, और जो हमारा एक ये तार बचा है, ठीक है, ये हम देंगे न्यूट्रल में, ठीक है। और हम दूसरा भी इसी तरह से कर लेते हैं, अभी हम दूसरा लूप लगा रहे हैं, तो हमारा एक तार ये जो दूसरे रेगुलेटर का था तो उसमें हमने फेस दे दिया, ये हमने फेस दे दिया, ठीक है, ये हमने दोनों रेगुलेटर में फेस दे दिया है। अब हमारा एक ये जो होल्डर था इसका एक न्यूट्रल और इस वाले होल्डर का ये न्यूट्रल, हम दोनों को मिला के न्यूट्रल दे देते हैं क्योंकि पंखा फेस और न्यूट्रल दोनों से चलता है। न्यूट्रल क्या देंगे, न्यूट्रल जो हमारे यहाँ आया था हम इसे
यहाँ पर दोनों पंखों का न्यूटन यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें। ये देखिए दोनों, ये हमारे दोनों, ये दोनों, ये हो गए हमारे दोनों पंखे की जगह हमने होल्डर दिखा दिए हैं। फेस दोनों दोनों पंखों के तार हमने फेस में लगा दिए हैं, ठीक है। इसके जो दोनों के न्यूट्रल थे हमने न्यूट्रल में कर दिए हैं, ठीक। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें करंट दे दिया बोर्ड में, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट हमारा जो बल्ब, ये देखिए डायरेक्ट बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक ठीक है, डायरेक्ट बल्ब जल रहा है, ठीक है। निकाल लेते हैं। अब ये देखिए हम ये वाला बल्ब जलाते हैं, ये देखिए ये हमारा रेगुलेटर से बल्ब जल रहा है, ठीक ठीक है, ये हल्का हो गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला भी हमारे दोनों रेगुलेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये से बिल्कुल बंद हो गया, ये देखिए बिल्कुल बंद हो गया। ये स्विच का भी काम करेंगे और ऑन ऑफ कंबल का भी, देखिए कंबल भी हो रहा है, ठीक है, बंद हो गया। ये देखिए कंबल हो रहा है, अभी देखिए ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये सॉकेट भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए सॉकेट भी जल रहा है डायरेक्ट, ठीक, ये सॉकेट भी डायरेक्ट जल रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को भाई लोगों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स।